अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दिल की घबराहट होने लगे तो अमरूद खा लिया करो, नहार मोजवा खजूर दूध के साथ खाने से दिल के अमराज में अफाका होता है। थोड़ी सी अदरक चबा लेने से खराब गला खुल जाता है और आवाज़ ठीक हो जाती है। शर्मगाह के बाल साफ किए बगैर मुबाशरत करने से बांझपन की बीमारी होती है। अगर पेशाब हल्के पीले रंग का आए तो जान ले आप अंदरूनी तौर पर फिट फॉट हैं। आड़ू के दरख्त के साए तले आने से मिर्गी के मर्ज से छुटकारा मिल जाता है। आम के जूस का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश रखते हो तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करो। खाना खाने के फौरी बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। पेट में दर्द की प्रॉब्लम है तो नहार दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खा लेने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। घर में लकड़ी की बनी हुई चीज़ों की सफाई नमकीन पानी के साथ करें। दही के ऊपर वाला बलाई को केला मुहासों पर लगाएं। केल मुहासे से दो दिन में ख़त्म हो जाएंगे। सोते वक्त एक अमरूद खा लिया जाए तो डिप्रेशन का मर्ज दूर हो जाता है। औरत को जैतून के तेल के चंद कतरे पिलाकर मुबाशरत करने से हमल जल्दी ठहर जाता है। मुबाशरत के फौरी बाद थोड़ा सा गुड़ चटाएं। कम उम्र में जो लोग शादी कर लेते हैं ऐसे लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। नहार मुँह केला कान से जहनी दबाव और बेचैनी ख़त्म करता है। साग में अगर मक्खन शामिल करके खा लिया जाए तो रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। अगर आँख दुखने की प्रॉब्लम हो तो कभी नज़र की कमज़ोरी नहीं होगी। ज़ुकाम होना बर्स की बीमारी से निजात दिलाता है। अगर शहद उतारना हो तो लाल रंग का कपड़ा पहन ले, कभी शहद की मक्खियाँ डंग नहीं मारेंगी। अगर आप थकावट महसूस करने लगें तो पानी में नमक शामिल करके पी लें। अपने दोपहर के खाने के अंदर सलाद और प्याज का इस्तेमाल कर लिया करें, ये आपको मौसमी असरात से महफूज रखेंगे। अगर आप हफ्ते में दो दिन भी आड़ू खा लेते हैं तो ये आपको जोड़ों के दर्द से दूर रखेंगे। नहार मुँह इमली वाला शरबत पी लेने से दो महीनों के अंदर मोटापा दूर हो जाता है। जो लोग कद्दू शौक से खाते हैं ऐसे लोगों को पुरसकून नींद आती है। अगर आपको ज़हनी थकावट रहती है तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दो, आपको ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा। जामिन खा लिया करो, ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया ख़त्म करते हैं। हल्दी का इस्तेमाल जिगर को ख़राब होने से बचाता है। अगर आपको पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो पेशाब करने से कबल एक गिलास ठंडे पानी का पी लो। कलवंजी के अंदर सिरका शामिल करके खाया करें, बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों को उबालकर सर को धो लेने से सर का दर्द ठीक हो जाता है और सर की ख्वारिश दूर हो जाती है। पुदीने और तुलसी के पत्तों को पीस लें, फिर इसका रस चेहरे पर लगाएं। कुछ ही दिनों के अंदर छाइयाँ दूर हो जाएंगी। मेथी की सब्ज़ी कमर के दर्द के लिए बेहतरीन है। जिन अफराद का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ऐसे लोग कायदाना सलाहियत के मालिक होते हैं। जो औरत खाना बनाते वक्त या वह दूध या लतीफ़ का विर्द करे उसके घर की लड़ाइयाँ बीमारियाँ झगड़े आपस में नाचाकियाँ
सब ख़त्म हो जाते हैं और घर के अंदर मोहब्बत, प्यार, सुकून और चैन आ जाता है। ऐसे लोग हमेशा मैदे की बीमारी के शिकार रहे हैं जो रोटी तेज़ तेज़ खाते हैं। अगर आप रात को दांत साफ करके सोते हैं तो 80 साल तक आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही दांत कमज़ोर होंगे। रात को खाली पेट दौड़ लें तो 50 साल तक दिल की नसें कमज़ोर नहीं होंगी और ना ही दिल के दौरे का खतरा होगा। रात के वक्त खजूर खा लिया करो, कभी मैदे का कैंसर नहीं होगा और ना ही मैदा खुश्क होगा। अगर आप दिन भर काम करते हो और थकावट महसूस होती है तो रात को बकरी का दूध पी लिया करो। रात के वक्त अदरक वाला पानी पीने से 70 साल तक खून गाढ़ा नहीं होगा और दिल सेहतमंद रहेगा। याद रखिए, तली हुई गजाएं बारी और हजम करने में मुश्किल होती है, जो उबारा, बदहजमी और तकलीफ़ का सबब बन सकती है। माँ और बच्चे का बेहतरीन प्यार छाती का दूध पिलाने से शुरू होता है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो अजवाइन को यखनी में डालकर इस्तेमाल करें, इससे दूध में इजाफा होगा और बच्चे का पेट भी ख़राब नहीं होगा। फर्श पर रोगन के धब्बे पड़ जाने की सूरत में तेल से साफ कर लिया करें। सोते वक्त रात को पुदीने के चंद पत्ते चबाने से बुरे ख्वाब नहीं आते। जो लोग गुर्दे के मरीज़ हैं उनके केले का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा खाने वाला इंसान सुस्त ही रहता है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंक मारने से मना फरमाया है। नापाकी की हालत में खाना बनाने वाली औरत घर में गुर्बत ले आती है। लस्सी छीलने के लिए अगर उन्हें तोड़कर धूप में रख दिया जाए, इसके बाद छीलें तो वो आसानी से छील जाते हैं। अगर आपके पाँव में दर्द है तो जैतून के तेल से मालिश करें। किशमिश को रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल करें। नाज़रीन, वीडियो अच्छी